हेलो स्टूडेंट्स, टैक्सेशन लॉ की क्लास में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अर्थात व्यापार अथवा पेशे से लाभ तथा अधिलाभ। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आइए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यहाँ इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आप LLB के स्टूडेंट होने के नाते आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और साथ के साथ आपकी नोट्स कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। सबसे पहले तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में बिजनेस की परिभाषा दी गई है। भाई, हम कंसेप्ट स्टार्ट करें उससे पहले ज़रूरी भी है ना कि हमें ये पता हो कि आखिर बिज़नेस क्या होता है या प्रोफेशन क्या होता है। तो अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में बिज़नेस को डिफाइन किया गया है। इसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यापार, वाणिज्य अथवा विनिर्माण, है ना, प्रोसेसिंग जो यूनिट होती है, ठीक है, कोई भी व्यापार, कोई भी वाणिज्य या विनिर्माण या फिर किसी अन्य उपक्रम या व्यापार वाणिज्य विनिर्माण की प्रकृति से संबंधित, मतलब इसी तरीके का कोई कार्य, इन सबको क्या माना गया है, बिजनेस की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार शामिल है, मतलब आप ट्रेड, कॉमर्स, ठीक है, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण कार्य तथा इसी प्रकार का कोई अन्य कार्य शामिल होगा। ऐसा कार्य जो निरंतर रूप से किया जाए, कहने का मतलब कंडीशन क्या होती है किसी भी एक्ट को अगर हम बिज़नेस में मानते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये है कि पहले तो उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, वो निरंतर रूप से किया जाना चाहिए, तथा जिसे लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाए, मतलब जो कार्य किया जाना है, जो ट्रेड, बिज़नेस, कॉमर्स किया जा रहा है वो लाभ प्राप्ति के पर्पज़ से किया जा रहा हो कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है उससे, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है कि किसी चैरिटी पर्पज़ से किया जा रहा है या फ्री किया जा रहा है, ऐसा अगर कुछ होता है तो वो यहाँ PGBP हेड में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो दो कंडीशंस यहाँ पर मस्ट है। पहला तो जो एक्टिविटी की जा रही है ट्रेड कॉमर्स के तहत वो निरंतर रूप से की जाए, रेगुलर की जाए, और दूसरी कि उसको लाभ प्राप्ति के लिए किया जाना ज़रूरी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की। तो देखिए, प्रोफेशन यानी कि पेशा, पेशेस की कोई भी डेफिनेशन इस अधिनियम में नहीं दे रखी है, केवल सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 में इतना सा सेंटेंस दे रखा है, इतनी सी बात कह रखी है। इसका एक ये फीचर बताया कि पेशे में क्या शामिल है, तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये। ये क्या कह रही है कि पेशे में वृत्ति भी शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार पेशे के लिए तो यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर हम लोग जनरली तौर पर देखें तो पेशे के लिए इंटेलेक्चुअल स्किल और फिजिकल स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि व्यक्ति के पास किसी कार्य को करने के लिए या तो विशिष्ट बौद्धिक कुशलता हो उसके पास, या फिर उसके पास ऐसी फिजिकल स्किल हो, शारीरिक कुशलता हो जो उस पेशे के लिए आवश्यक हो। तो हम किन किन लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल पेंटर है या स्कल्पचर है या राइटर है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, ऑडिटर है, CA है, आदि, इन सभी व्यक्तियों को हम क्या कह सकते हैं कि ये सभी व्यक्ति पेशे में शामिल है या ये सभी व्यक्ति जो है वो पेशा करते हैं। ठीक है, किंतु व्यापार करने वाला इन सभी व्यक्तियों को हम नहीं कह सकते। इस प्रकार पेशा अलग है और व्यापार अलग है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन 28 की। ये तो हमने जनरल मीनिंग देखा कि व्यापार या पेशे में किसको शामिल किया जाएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 28 की। सेक्शन 28 बात करता है निम्नलिखित प्रकार की आय व्यापार अथवा पेशे से लाभ एवं अधिलाभ शीर्षक के अंतर्गत कर के लिए प्रभार्य होगी। यानी कि द फॉलोइंग इनकम्स आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर दिस हेड, अंडर PGBP हेड। ठीक है, तो सेक्शन 28 क्या है हमारे लिए, जैसा हम पहले हर एक शीर्षक में पढ़ते आए हैं, ये है चार्जेबिलिटी सेक्शन। यानी कि ये बात करता है कि कौन कौन सी आय जो होगी चार्जेबल होगी इस हेड के अंतर्गत। ठीक है, तो ऐसी कुछ आयों के उदाहरण मैंने आपके लिए लिखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गत वर्ष के दौरान निर्धारित के द्वारा संपन्न किए गए व्यापार या पेशे से लाभ एवं प्राप्तियां। यानी कि प्रीवियस ईयर में असेसी ने अगर कोई इनकम प्राप्त करी है व्यापार या पेशे से तो वो इसमें शामिल होगी। सेकेंड, व्यापार या पेशे से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या अनुलाभ का मूल्य, अगर बिजनेस या प्रोफेशन से कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई परक्यूसाइट मिल रहा है हमें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट परक्यूसाइट्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं और ऑनलाइन भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इनका मूल्य भी इसमें शामिल होगा, ये भी यहाँ पर क्या होगा, चार्जेबल होगा। तीसरी, विशिष्ट सेवाओं से प्राप्त कोई आय है तो वो भी यहाँ पर शामिल होगी। फोर्थ, अगर किसी एग्रीमेंट के अंतर्गत प्राप्त या प्राप्त होने योग्य कोई धनराशि है, मतलब चाहे हमने रिसीव कर ली हो चाहे वो रिसीवेबल हो, वो भी इसमें शामिल होगी।
फिफ्थ, कोई भी ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक मतलब रेमुनरेशन हो जो किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर के द्वारा उस फर्म से प्राप्त किया जाए वो भी यहाँ पर इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा, यानी कि चार्जेबल अंडर सेक्शन 28। सिक्स्थ, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करें तो अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई भी राशि जिसमें ऐसी पॉलिसी पर दिया गया बोनस की राशि भी शामिल होगी तो ऐसी राशि और उसके साथ में जो बोनस है वो भी यहाँ पर PGBP हेड के अंतर्गत चार्जेबल होगा, यानी कि कर योग्य होगा। ठीक है, तो उपरोक्त वर्णित मदे जो हैं वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको यहाँ बताए जिन्हें व्यावसायिक आय में शामिल मानकर प्रॉफिट्स एंड गेंस अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन जो हम ये हेड पढ़ रहे हैं यानी कि PGBP हेड इसके अंतर्गत कर योग्य बनाया गया है। नाउ अब हम बात करें, अगर सेक्शन 28 हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम बात करें सेक्शन 29 की। तो सेक्शन 29 हमें क्या कह रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम यानी कि आय की गणना। अब आप PGBP हेड के तहत आय की गणना कैसे करोगे उसके बारे में बताया गया है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 28। व्यवसाय या पेशे से प्राप्त आय, अब धारा 28 में हमने ये तो पढ़ लिया, कुछ उदाहरण भी हमने देख लिए कि कौन कौन सी आय उसमें शामिल करोगे, अब उनकी गणना कैसे करेंगे। तो इस धारा के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 कर योग्य आय की गणना सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 43D में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। द इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 28 शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेंड इन सेक्शन 30-43D। इन धाराओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, देखिए फर्स्ट ये मैंने कीवर्ड्स भी यहाँ लिख दिए हैं जैसे ऑन प्रीवियस ईयर्स इनकम, मतलब इस शीर्षक के अंतर्गत आय की जो गणना होगी वो गत वर्ष के दौरान करदाता द्वारा प्राप्त की गई या फिर अर्जित की गई, यानी कि या तो उसने रिसीव्ड कर ली हो आय या फिर वो इनकम रिसीवेबल हो, तो रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों प्रकार की इनकम के आधार पर ही की जाएगी। ठीक है, सेकंड है इसमें व्यवसाय या पेशे से संबंधित आय व्यय का निर्धारण किसी निश्चित लेखा पद्धति द्वारा किया जाएगा। इट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी डिटरमाइंड बाय अ सर्टेन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसके अलावा करदाता द्वारा निर्धारित रूप से कटौतियों की मांग की जाए, मतलब इसे प्रोसीजरल वो मांग करे जैसा बताया गया है विधि के अकॉर्डिंग उस हिसाब से। डिडक्शंस टू बी डिमांडेड बाय द टैक्स पेयर एज प्रेस्क्राइब्ड। देन यदि गत वर्ष के दौरान व्यापार अस्तित्व में रहा हो तभी कटौतियों का लाभ दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर ये डिडक्शंस कब मिलेंगे, जबकि असेसी ने जो व्यापार या पेशा अपनाया है वो गत वर्ष अस्तित्व में रहा हो। means benefit of deductions will be allowed only if the business is in existence during the previous year, otherwise not allowed। next, अवैध व्यवसाय में कारित हानियां कटौती योग्य नहीं होगी। देखिए अगर असेसी ने कोई इलीगल बिजनेस किया है और उस बिजनेस में अगर उसे कोई लॉस हुआ है इट वॉन्ट बी डिडक्टेबल, तो वो डिडक्टेबल यहाँ पर नहीं होगा यानी कि कटौती योग्य नहीं होगा। नेक्स्ट, अशुद्ध ऋण के संबंध में भी व्यापारिक हानि का दावा किया जा सकता है। मीन्स बिजनेस लॉस कैन ऑल्सो बी क्लेम्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स यू ऑल नो दैट मीन्स अ डेब्ट दैट कांट बी रिकवर्ड, ऐसा ऋण जो कि प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर लास्टली, मुद्रा के अवमूल्यन के कारण होने वाली हानियाँ भी कटौती योग्य होगी। लॉसेज ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, अगर मुद्रा में कोई डेप्रिसिएशन आ जाता है उससे अगर मान लीजिए कोई हानि होती है वो भी कैसी होगी, डिडक्टेबल होगी, यानी कि यहाँ पर जो है इस चैप्टर के तहत कटौती योग्य होगी। तो इस प्रकार हमने आज सेक्शन 28 देखा और सेक्शन 29 देखा। मेनली जो चीज़ें थी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो थी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डिडक्शंस के बारे में, जिससे कि हम लोग देखेंगे कि ये जो PGBP हेड जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत कर योग्य लाभों की गणना करने में कुछ व्ययों को, तो जो भी कुछ एक्सपेंस जो कुछ व्यय हैं कुछ खर्चे हैं उनकी कटौती तो स्पष्ट रूप से स्वीकृत है, एक्सप्रेसली डिडक्टेबल है, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनको कि कॉमर्शियल प्रिंसिपल्स के आधार पर एक्सेप्ट किया गया है, तो उनकी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।